हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। योगीराज में बीजेपी नेताओं पर फूट रहा जनता का गुस्सा। अमरोहा में राशन धांधली की शिकायत ना सुनने पर बीजेपी नेता की जमकर पिटाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक बीजेपी नेता की पिटाई का मामला सामने आया है। यहां बीजेपी नेता को कथित तौर पर कालाबाजारी करने वाले राशन डीलरों की तरफदारी करने के आरोप में महिलाओं ने जूते चप्पलों से पीटा। मामला अमरोहा के जिला मुख्यालय का है, जहां योगी सरकार के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर और कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान जिला योजना समिति के साथ बैठक कर रहे थे। इसी दौरान राशन डीलरों की शिकायत लेकर पतई खालसा की महिलाएं मुख्यालय पहुंच गई, लेकिन उन्हें मंत्रियों से मिलने से रोका गया, जिसके बाद महिलाओं ने मुख्यालय के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद महिलाओं को मंत्रियों से मिलने दिया गया। महिलाएं जब मंत्रियों के पास पहुंचकर राशन डीलरों की शिकायत कर रही थी, तो वहां मौजूद बीजेपी नेता मदन वर्मा राशन डीलरों की तरफदारी करने लगा, जिससे महिलाएं भड़क गई और मदन वर्मा की पिटाई ही कर दी। खबरों के मुताबिक महिलाओं ने पहले बीजेपी नेता को समाकक्ष से बाहर खींचा और फिर पूरे परिसर में दौड़ा दौड़ा कर जूते चप्पलों से पीटा। पिटाई के दौरान महिलाओं ने बीजेपी नेता के कपड़े तक फाड़ डाले। महिलाओं का आरोप है कि बीजेपी नेता गृहस्थी की सूची में नाम शामिल कराने के लिए 500-500 रुपए लिया करता था। वहीं बीजेपी नेता जिन राशन डीलरों की तरफदारी कर रहे थे, उन पर खाद्यान्न वितरण में धांधली का आरोप है। महिलाओं का कहना है कि गांव में 3-3 राशन की दुकान होने के बावजूद उन्हें खाद्यान्न नहीं मिल रहा, क्योंकि राशन डीलर खुलेआम खाद्यान्न सामग्री की कालाबाजारी कर रहे हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।